में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पत्रकार पर किया हमला, चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा चरखारी निवासी एक पत्रकार को घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने चार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। विवरण में मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार राघवेंद्र सिंह परमार पुत्र महिपाल सिंह परमार अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी चार लोग आए और गाली गलौज करने लगे। जब पत्रकार ने गाली गलौज करने से रोका तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जिससे हाथ में उसे चोट भी आई हुई है। पत्रकार राघवेंद्र सिंह द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक गणेश प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है तथा सभी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र द्विवेदी, तहसील अध्यक्ष, संयुक्त मीडिया क्लब कोलपहाड़। सरकारी कोतवाली आए हैं, क्या मामला हो गया? हमारे छोटे भाई जो हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, कुछ यहाँ जो बिच्छू गैंग के लोग हैं 8-10 लोग, उन्होंने उनके घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया है और उनको जान से मारने की कोशिश भी की है और बहुत मतलब डर के माहौल में वो हैं और उनका हाथ में भी फ्रैक्चर है। तो हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पुलिस से द्वारा हम न्याय चाहते हैं कि उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और अपराधियों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का डर भय हो इनमें, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ है, उसको दिन रात अकेला घूमना है, उसके साथ जो उसके लिए अपराध किया है पूरी उसमें जो धाराओं में उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो हम सुबह एसपी ऑफिस जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे सभी लोग चल के, और हमारे जिलाध्यक्ष और वो बुंदेलखंड अध्यक्ष सभी लोग साथ में आके हम लोग मांग करेंगे, इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे और मुकदमे की मांग करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? भैया मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। क्या घटना हो गई आप आज इतने सारे लोग पत्रकार साथी सपोर्ट वाले? भैया आज लगभग 5 और 5:15 के बीच मैं अपने घर के दरवाजे पे बैठा था तो 2-3 गाड़ियों में 4-4 लड़के आए। एक लड़का अधी लिए था 315 बोर की, एक कुल्हाड़ी लिए था और कई जो बेसबॉल के बैट होते हैं कई लड़के वो लिए थे और गाली गलौज करके हमारी तरफ बढ़े, तो हम जान बचा के अंदर अपने कमरे में गए तो वहाँ इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद कुल्हाड़ी से हमला करने लगे। इस बीच मोहल्ले के और परिवार के लोग आ गए, परिवार के लोगों को आता देख ये भाग खड़े हुए। मेरी जेब में 1800 रुपये डले थे, वो निकाल के ले गए और थाने जाने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा थाने गए तो साले जान से मार। क्या लगता है आपको, कोई पुरानी रंजिश है किस प्रकार के? भैया 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 हम सीधे साधे आदमी हैं, हमें हमारा केवल कसूर ये है कि हम पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं ये अराजक तत्व हैं, हमने किसी खबर में इनका कोई नुकसान किया होगा, खबर चलाई होगी या नहीं ये लगा होगा कि ये पत्रकार सही सही खबर निकालता है, तो इन्होंने प्लानिंग करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से अपनी जान की, अपने व अपने परिवार की जान की गुहार लगाता हूँ और सुरक्षा की मांग करता हूँ। अभी ये कोतवाली में आए हैं, आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी पुलिस वालों ने एक लड़के को पकड़ा है। पुलिस की कार्यशैली अच्छी है, पुलिस की कार्यशैली में कोई कमी नहीं है, लेकिन भाई साहब ये अपराधी पकड़ने चाहिए, वरना मैं या मेरे परिवार में जनहानि होना बिल्कुल अवश्यंभावी है।